हम आपके घर नहीं आएंगे, अब हम नंगी नहीं। हाँ। बहुत से बच्चे स्कूल के बहाने रोजे छोड़ देते हैं, स्कूल है बोलते हैं, एग्जाम चल रहा है, पेपर आने वाला है। चलो ऐसे सब बना दो फटाफट, किसी को यूज करती हूँ बोलती मेरे लिए बहुत अच्छा चाकू, मुझे नया चाहिए। अच्छा चाकू है, मेरा बहुत कीमती चाकू है। बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्यारा बच्चा है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है। तो बताओ मैं दोनों में से सबसे ज्यादा मैं किसको प्यार करता हूँ, तो लेके जाओ उसको, लेके आओ फटाफट से। हाँ फिर दूसरा बना के देता हूँ जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हमारे जो थोड़ा बहुत खाना बनाते फोड़ वगैरह रमजान में, वो वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट कर लोगों को, शेयर भी करो हमारी वीडियो, ताकि थोड़ा नई वीडियो हमारी चल जाए, क्योंकि इससे पहले हमारे मेरा जो चैनल था वो डाउन हो गया था, बिल्कुल वीडियो मेरी चली नहीं थी लॉन्ग वीडियो, लेकिन जब से रमजान लगा माशाल्लाह आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत ऐसे हम लोग जो भी बनाते हैं दिखाते हैं, आते हैं जाते हैं दिखा देते हैं, कोई खास करके हम लोग कुकिंग नहीं कर रहे हैं, वीडियो हमको आता है या थोड़ा बहुत सी कुक के हम भी बना लेते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं। तो आज इनकी मम्मी क्या बनाने जा रही है, हरियाली चिकन ग्रिल। तो चलो आज घर में हरियाली हरियाली होने वाली है, तो क्या लाने जाएंगे हम लोग, तो हम अभी हरियाली चिकन ग्रिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट लाने जाएंगे, तो पापा और मैं जाएंगे अभी मार्केट, तो चलो चलते हैं। और हमारे सालिम भाई लोग यहाँ सो रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आते हैं थके रहते हैं और शहरी में सॉरी छूट जाते हैं, तो नींद आती है बच्चे लोग को। तो माशाल्लाह आप लोग को बता दूं, मेरे दोनों बच्चे अभी तक रोज़ा रोज़ा रख रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे 30 से 30 रोज़े रखेंगे, इंशाल्लाह जरूर रखेंगे, कोशिश पूरी है बच्चे लोग, क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूल के बहाने रोज़े छोड़ देते हैं, स्कूल है बोलते हैं, एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर आने वाला है, तो पेपर इन लोग का भी आने वाला कल चालू हो गया है, टेस्ट चालू हो गया है, टेस्ट चालू हो गया है, लेकिन ये लोग पेपर भी देंगे इंशाल्लाह, रोजे भी रखेंगे, क्योंकि रोजा रखना फर्ज है, जरूरी है, क्योंकि हमारे आखिरी रोजे, हम किसी का हम बहाना नहीं बना सकते कि हाँ रमजान एग्जाम है, पढ़ाई है, तो रोजे रखेंगे। तो माशाल्लाह सालिम खुद से ही बोलता है कि हाँ मैं पापा पूरे रोजे रखूंगा, तो माशाल्लाह अल्लाह इसको हिम्मत दे और ये पूरे रोजे रखे, तो आराम करो, थोड़ा आराम कर लें दोस्तों, थका हुआ एक्सपीरियंस पूरी हुई नहीं है, तो चलो मैं और हमारे चलते हैं मार्केट। तो अभी हम आगे राशन की दुकान से, यहाँ से हम लोग चना लेंगे और कसूरी मेथी, और ये काबुली चना लिया है, इसका भी एक रेसिपी बनाने वाला हूँ मैं, इसे लेकर रखता हूँ। हाँ अभी इतने लेते हैं, फिर पहले एक बनाते हुए देखेंगे फिर। अब हम लेंगे यहाँ से दही, दही वाले अंकल तो कोई है ही नहीं, आ दही भी ले लिया हमने, तो जो हम बनाए जा रहे उसमें आज दही भी लगेगी ना, थोड़ी सी ऐसी हो जाएगा ना इतने में। वहाँ बेड़ी फ्रूट काट रही हैं, ना इनको सही से काटने आता है फ्रूट, ना इनको सही से काटने आता है, मुझे आता है। अरे जाओ, अरे यार मैं काटने रोज नहीं काटती हूं। मैं एक बच्चे काट दूँ, तुम लोग ऐसे काटने आता नहीं है, मुझे काटने रोज कौन काटता है, रोज मैं काटता हूँ, कैमरे में दिखाता हूँ इनको काटता, लेकिन मैं रोज दोस्तों जब से रोजा लगा है बहुत काम करवाती है मेरे से। हाँ अभी चिकन भी मैं बनाऊंगा, कौन सा चिकन था, हरियाली करते हैं पापा, बोलते हैं पापा, तो सबसे बड़ा काम है। ले लो इसको काट लिए, हाथ से काट लेना, ये देखो कैसे काट लिए, छिलका नहीं काटी पहले बाकी बना ली, वाह भाई वाह, आजकल के बच्चे, ये देखो हाथ कट जाएगा दोस्तों इनका। आज एक दिमाग बताता हूँ इनका, इनको मैं रोज मार्केट जाती हूँ, रोज दिलाता हूँ कि नया चाकू ले लो, जितना महंगा जितना अच्छा चाकू चाहिए उतना अच्छा महंगा चाकू ले लो, लेकिन इनकी दिमाग पता नहीं क्या है, देखो ये चाकू है इसमें हैंडल ना कुछ है, इसी को यूज करती हूँ बोलती मेरे लिए बहुत अच्छा चाकू, मुझे नया चाहिए, अच्छा चाकू है, मेरे बहुत कीमती चाकू है, तुम नया ले लो ना, अरे इतना तेज है ना, नया चाकू 50 ले उतने में, ये देखो ऐसा नहीं है, कभी और भी चाकू है, उसको यूज भी नहीं करती और दिलाने को भी तैयार हूँ मैं, चाकू आता है कितने का दोस्तों, लेकिन ये पता नहीं क्या लेती नहीं, कल भी मार्केट गए थे, चाकू बहुत सारे अभी कल भी गए थे इसको दिला रहे थे, लेकिन चाकू नहीं ली, वहाँ से प्लेट वेट लेके आए थे, पता नहीं क्या है, कीमती चाकू ये है, उतना कीमती कोई, कितने लाख का है ये, हाँ 10 रुपए का था, ये पागल है कसम से पागल हो रहा था, ये बहुत तेज चाकू, कितना तेज चाकू पता है, अरे यार तुम, तो हरियाली चिकन के लिए हमने चिकन लेके आ गए हैं, तो पहले इसको चिकन को धुलेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे दोस्तों। हम सब सामान लाए, एक सामान लाना भूल ही गए, कांडी लगी हुई, कांडी जाना भूल गए, तो हमारे यहाँ कांडी लेके आएगी, जाओ दोस्तों आज हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हमारे कांडी लेके तो आ गई,
लेकिन एक चीज़ और लाना हम लोग भूल गए, हरा धनिया पुदीना अदरक ये सब भूल गए लाने तुम्हारे फिर से यारी बिछाई लाने के लिए। सारी यार जो लेकर आया फिर बना लो, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 20 से काटो, 20 से हाँ इसे छोटा छोटा पीस कर लो इसको पकड़ो। अरे कर लो पकड़ना क्या है चिकन में, सड़े जा चाकू से काट दो क्या करेगा वो, तेज चाकू है। अरे देखो दोस्तों का चाकू तुम्हारी आ गई, हरी धनिया पुदीना लेके नींबू अदरक पुदीना हरी धनिया सब आ गए। चलो तो कुछ नहीं है वरना नहीं सॉरी सॉरी तुम्हें आना हो गया काम बस। तो इसमें धनिया मिर्ची पुदीना और लहसुन अदरक और अदरक मिर्ची नींबू मिर्ची और नींबू का रस डाल के इसको हम इसका बनाएंगे पेस्ट, पेस्ट बना लेंगे। और ये मिक्सर मैंने नया लिया था लेकिन बहुत आवाज़ करता है ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो दोस्तों हमारी हरियाली ग्रिल चिकन का सामान रेडी हो गया है, जिसमें देखो चिकन है और ये शिमला मिर्च प्याज और ये मसाले का नाम बताओ बराबर, गरम मसाला है ये, चिकन मसाला है ये, हल्दी है ये, पिसा मिर्चा है ये, चाट मसाला है ये, धनिया पाउडर है ए? और ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, नमक, हरा रंग और ये विनेगर दही और ये जो हमने पेस्ट बनाया था हरी धनिया लहसुन अदरक पुदीना का पेस्ट है ना, ये सब रेडी हो गया और नींबू का रस इसमें शामिल है। हाँ तो ये सब रेडी हो गया, आपको उम्मीद से सब समझ में आ जाएगा क्या क्या ग्रेवी लगने वाले इसमें। तो अब क्या करना है चलो करो फटाफट, जो हमने पेस्ट बनाया था उसे चिकन में डालेंगे, चिकन में डाल के फिर कसूरी मेथी को घस के डालेंगे। अच्छा और अभी सारे मसाले डालेंगे, मसाले हम आपको फिर से बताते हैं। अरे बताए तो अभी बता चलो फिर से बता दो, कसूरी मेथी, गरम मसाला, चिकन मसाला, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्ची पीसी और सब डाल दो, सब डाल दो। हाँ शेफ साहिबा, इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, एक चम्मच विनेगर थोड़ा डालेंगे, इसको विनेगर भी बोलते हैं और सिरका भी बोलते हैं। हाँ चलो और रंग, रंग भी डालेंगे लेकिन कलर डालेंगे और दही भी डालेंगे, दही सबसे पहले डाल। चलो और डालो थोड़ा, कंजूसी ना करो, मिलाएंगे तो फिर कम लगेगा तो और डालेंगे, थोड़ा सा हरा रंग डालेंगे। और ये फूड कलर है, आप लोग कमेंट मत करिएगा कि कलर नुकसान करेगा, ये फूड कलर है, ये नुकसान नहीं करता, तुमको मालूम नहीं करता है, नहीं करता। पता नहीं दोस्तों मुझे नहीं मालूम, पता है मुझे। चलो थोड़ा सा रंग डाल दिए इसमें हरा हरा क्योंकि डिश का नाम और नमक और मेन एक चम्मच भर के ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा बस खट्टा हो जाएगा पक्का। अब इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे, हाँ नमक में कंजूसी नहीं दिखाई, बाकी सब में कंजूसी दिखा रही। और इस डिश का नाम जो है वो है हरियाली चिकन ग्रिल, जिस वजह से हरियाली चिकन ग्रिल, जिस वजह से इसमें हरा जो फूड कलर है वो डालना जरूरी है। हाँ इसलिए तभी तो हरियाली आएगी, तो मेरा प्यारा और सबसे फेवरेट वाला जो कौन सा हो रहा है। दोस्तों बताओ मैं दोनों में से सबसे ज़्यादा मैं किसको प्यार करता हूँ, माजा को या साजिम को, आप लोग बता चलो कमेंट में बताना। आज आप लोग मतलब क्या लगता है कि मैं ज़्यादा प्यार मारियो करता हूँ या शादी को करता हूँ, वहाँ से होता तो कोई है ना, आप लोग कमेंट करके बताना। चलो अब क्या करेंगे भैया, इसमें मिक्स करके और ये शिमला मिर्च हाँ और प्याज दोनों मिला, इसको ही मिलाएंगे हाँ। चलो मिला दो फिर, तो बनेंगे फिर बचा ही क्या इसमें, इसको मैंने धो के काटा है। अच्छा बताना जरूरी क्या हाँ भाई, नहीं तो कमेंट आएगा धुला नहीं आपने है ना, हाँ वेरी गुड। तो कहिया ये शेफ बन जाएगी मुझे लग रहा है, वो कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा शेफ कौन है, उसको फेल करके लग रहा है। नहीं उनको क्यों फेल करूँगी, संजीव कपूर है, संजीव कपूर हाँ उनको फेल करके लग रहा है। आप लोग बताओ ना, लखनऊ की रहने वाली हैं लेकिन मुंबई आके ना तेरे को मेरे को चलने लगा, नहीं पहले इनकी शादी हुई थी, आज बता दो इनकी शादी हुई थी, इतने प्यारा समझ लो उसकी जो बोलने का अंदाज है ना उस पर दिल आ गया था, इतना प्यारा बोलती थी ये, लेकिन इतना हाँ उसके बोलने का अंदाज ना, आइए जी बैठिए खाइए, चलिए चलिए जी आप तो बहुत मस्ती करते हैं जी, ऐसा बोलती थी। अब हेलो निकलो चलो, अब मुंबई की लैंग्वेज चलने लगी है, लखनऊ की लैंग्वेज ना गायब हो गई। लखनऊ में कैसा है लोग गाली भी देते हैं अदब से, जीप से आप जनाब से गाली देते हैं, तो वैसे ही बोलती थी। एक जन है वो ऐसे बोली, हम आपके घर नहीं आएंगे, हाँ आप बहुत
क्या 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 बताओ बताओ। हम आपके घर नहीं आएंगे, अब बहुत नंगी है, अब बहुत ये है। दोस्तों जिसको ये बोल रही हो समझ गए होंगे, देख के वीडियो जान जाएंगे, कोई बात नहीं है। बहुत जो इसने बोला ना बहुत खतरनाक बात बोली, आप तो समझ में नहीं आएगा लेकिन जिसको इसने बोला वो समझ गया होगा। चलो आगे क्या करना है बताओ यार, रेसिपी बन रही क्या हो रहा है यहाँ। अभी इसको रख देना है। हाँ ठीक है, इसको रख दो थोड़ी देर के लिए, मैं जब तक नमाज पढ़ के आता हूँ सर की। यार इसको जगाऊँ क्या, सो रहा है ये, इसको जगा, नमाज पढ़ने जाना है। हाँ अलीम चल नमाज पढ़ने, असर का टाइम होगा बेटा, चलो चलो असर की नमाज़ पढ़ के आएंगे, बस मगरिब को टाइम हो जाएगा रोज़ा खोलने का। चलो उठो अदीम, इसका डेली हो गया यार। अदीम नमाज ही पढ़ते बेटा, खाली रोज़ रख के सोते नहीं है। अभी तुम स्कूल से आए सो गए नमाज़ पढ़ के, अब असर की नमाज़ पढ़ के फिर रोज़ा खोलेंगे। देखो मम्मी अफ्तारी बना लिया तुम्हारे लिए, फेवरेट बन रहा तुम्हारा चिकन, तुम्हारा फेवरेट चिकन बना रही मम्मी। अदीम अभी बस अदीम को उठाएंगे। कैमरा चालू, सब देख रहे हैं तुमको, कैमरा चालू, सब लोग देख रहे हैं, आप खोलो अपनी आंख, तुम्हारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं सब लोग। देखो तुमको क्या बोले सब्सक्राइबर लोग, क्या बोले बोलो बोलो, इसको उठने के लिए बोलो सब लोग, तो उठेगा। इसको बोलो नमाज का टाइम हो गया, बोलो देखो बोल रहे सब लोग, बोलो मेरा बेटा इतना अच्छा अच्छा बोलता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है मेरा बेटा, आप लोग को अच्छा लगता है ना, शादी वॉइस रिकॉर्डिंग करता है, अच्छे से बोलता है तो अच्छा लगता है सबको ना। चलो बोले हाँ शादी बहुत अच्छे अच्छा बोलता है, बहुत प्यारा बच्चा है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, अरबी पढ़ने जाता है, स्कूल भी जाता है, बहुत प्यारा बच्चा है। चलो बहुत अच्छा, इससे साफ साफ पता चलता है पापा ज्यादा शादी से प्यार करते हैं। वो सब बताएंगे आप नहीं बोलने का। तो हम नमाज़ पढ़ के आ गए और यहाँ फ्रूट भी हमारा कट गया है पूरा, कल हम जो है मार्केट से प्लेट लेके आए थे बड़ी वाली, देखो ये काम आ गई आज फ्रूट काटने के, है ना, तो फ्रूट आ गया इसमें ये। आज थोड़ा ज़्यादा फ्रूट काटेंगे हम, क्योंकि थोड़ा अपने पड़ोस में भी हम फ्रूट देंगे और नीचे वॉचमैन लोग को भी देंगे ना। हाँ वॉचमैन लोग को भी देंगे और पड़ोस में भी देंगे उनको, देखो कहाँ जाके बैठेंगे। ये दोस्तों दो दिन से शहरी में बिल्कुल नहीं, हाँ मैं बता सबने, मैं अपने सब्सक्राइबर लोग सब बता देता हूँ। तो ये जो है दो तीन दिन से शहरी में उठ नहीं रही है, बिना शहरी के रोजा रख रही मारिया, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बेचारा कैसे भी करके उठ जाता है, इसलिए मैं शहरी की वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उठती नहीं लोग, मैं उठता हूँ ये उठता है और ये उठती नहीं है। हाँ उठाए उठाते उठती नहीं है, खाली सुनो सुनो सुनो, मैं अभी आप लोग को ना साजिम को खाली वीडियो दिखा रहा हूँ उठने का, कि साजिम सोता सोता ना, इनका नहीं दिखा रहा हूँ, इनका कल दिखाता हूँ मैं तुमको कि ये नहीं उठती है कितना शरीर में, कितना भी तुम उठाओ। सुनो, मैं ये उठती है। हाँ कल जब हम लोग स्कूल से आ रहे थे ना, तो बताओ मारिया क्या बोलती है, तो शरीर में उठा था मैंने बोला, हाँ उठा था, तो बोलती है मम्मी ने मुझे नहीं उठाया, मतलब मैंने बोला इतना लात मार के उठाई है तुम भी नहीं उठी हो, बोलती है और ना मैं तो उठ रही थी, उन्होंने उठाया नहीं हुआ। हाँ ऐसे बोलती है, देख लो ये अम्मी के एक्सेंट का असर है, लखनऊ वाली बोली बोल रहे हैं, लखनऊ सही बोल रहा है घर यहाँ से। देखो दोस्तों ना कोई ये हेल्प करा रहे हैं ना ये हेल्प करा रहे हैं, बेचारी देखो भाई अकेले काट रही है सब पूरा। तो दोस्तों इसको बना के काफी देर हो गया है, हम इसको कांडी में लगाएंगे। तो सबसे पहले एक चिकन लेंगे, उसके बाद एक कांदा, फिर एक चिकन शिमला मिर्च, अच्छा शिमला मिर्च, फिर एक चिकन शिमला मिर्च, और दो चिकन चिकन और चिकन डालो,
और एक डालो, डालो एक और चिकन, चिकन बस। चलो ऐसे सब बना दो फटाफट। तो तेल बहुत ही हल्का सा लेंगे, ज्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा। हाँ ऐसा बस, ऐसे ब्रश से यार रोशनी कम आती है इससे। और रखो नहीं आएगा, रखो ना हल्का, आज करो आज हल्का करो। तो कहीं हाँ देखो, तो इसी तरीके से हम जितनी भी कांडी है सब बना के इसी तरीके से ग्रिल कर लेंगे। चलो फटाफट करो, अफ्तारी का वक्त हो रहा है। तो चिकन कांडी तो बन गई है दोस्तों, अब इनका कांदे का देखो भजिया भी बन रहा है फटाफट। ये फटाफट करो यार, सबको देना भी है, अभी टाइम एकदम कम है। सारी ये थोड़ा साइड में करो केला इसमें का, तो भजिया डालो इसमें। कर दो ऐसे, तो लेके जाओ उसको, लेके आओ फटाते फिर। हाँ फिर दूसरा बना के देता हूँ, देखा जल्दी आओ हमारे लिए जाओ। हाँ दोस्तों खजूर रखना भूल गया था हम लोग, मेन तो सबसे ज़रूरी खजूर रखो, रखे हाँ जाओ 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 देखा। साजू नीचे गया है, हमारी जाएगी पड़ोस में देने जा, लेके आ। अब एक दिन को देख के आई, अब एक दिन को और देख के आना, जा सलाम कर लेना। हाँ जा खोल लो क्या समाज के या। तो दोस्तों आज थोड़ा खाई खाई हो गया, अब रोजे का टाइम हो गया, हमारी फ्राई लग गई है, सालिम भाई भी वहाँ बैठ गए हैं। तो इनका जो ये क्या इनका नाम ही भूल जाता हूँ, ये हरियाली चिकन, हरियाली या जो भी है रेडी हो गया है। अभी सालिम भाई भाई में ट्राई करेंगे अभी। भाई भाई क्यों बोलते हो? सालिम भाई प्यार से, सालिम भाई और सालिम भाई प्यार से बोलता हूँ यार, बुल्ला है। चलो दोस्तों बजान हो लगी, रोजा खोलो। हाँ लाओ मैं भी खा, इतना ही थोड़ा सा बस, देखो दोस्तों इतने खजूर खा पाता हूँ थोड़ा सा एकदम। तो अब हमारे मेन रेसिपी का टाइम आ गया है, हरियाली हरियाली चिकन जो भी है। चलो खाओ सादी, बताओ इसका टेस्ट पका है कि नहीं, बताओ अच्छा तो नहीं? हाँ टेस्टी है, अच्छा लग रहा है होटल का है। हाँ चलो हम लोगों ने फिर सीख लिया बनाना, थैंक यू कही ऐसा बनाने के लिए, मैं तो खा नहीं पाऊँगा क्योंकि सीखा भी है और कटेगा भी नहीं मेरे से। तो चलो अच्छे लोग खा लेंगे, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको हमारी हरियाली चिकन पसंद आई, रेसिपी पसंद आई हो तो आप बना के ट्राई करना। और आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा ना, आज हमको मज़ा आया अफ्तारी बनाने और देने में, सब करने में काफ़ी अच्छा लगा। तो वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और इससे पहले हमने कई वीडियो बनाई रेसिपी वाली रमजान की, इसका लिंक दे दिया, जाकर उसको भी देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।